तो दोस्तों, भारत की पीएलआई स्कीम इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि अब देश के छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। और अगर हम बात करें पीएलआई स्कीम के एक छोटे से हिस्से यानी वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो जिसमें कुल 52 यानी 52 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लगभग 5,858 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। और वाइट गुड में किन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं कि किस स्टार्टअप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित रेजल्ट ग्रुप के बारे में। वैसे तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और रेजल्ट ग्रुप तेलंगाना की पहली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बन गई है जो केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत भारत के अंदर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली है। और अगर हम बात करें वाइट गुड्स के बारे में, तो यहाँ पर एयर कंडीशनर, एलईडीज, इसी के साथ में नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स जैसे 4G 5G के बेसिक और एडवांस कंपोनेंट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, PCB सर्किट्स और भी बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही में कंपनी के कुछ लोगों का कहना है कि इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और देश के लोगों को रोजगार भी बड़े स्तर पर दिया जा सकेगा। वहीं आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो एक वक्त पर हम 80% तक इन चीजों का आयात करते थे, जो अब घटकर सिर्फ 40% तक रह गई है। जहां पर आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो वर्ष 2021 और 22 से लेकर के वर्ष 2028 तक इसमें लगभग 6,238 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल 52 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 42 यानी 42 कंपनीज को सिलेक्ट किया जा चुका है, जो टोटल 4,614 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और जिसमें से कुछ कंपनियों ने निवेश भी कर दिया है। बाकी बची हुई कंपनियां भी बहुत जल्द निवेश करेंगी और कुछ कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्द देश के अंदर वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े स्तर पर की जाएगी और इसका निर्यात भी बड़े स्तर पर भारत के द्वारा किया जाएगा। सो ओवरऑल देखें तो हम पीएलआई स्कीम के तहत मेक इन इंडिया को बड़े स्तर पर प्रमोट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।